हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है नेम टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज बेकिंग पाउडर डिफर फ्रॉम बेकिंग सोडा। तीसरा है एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ बेकिंग पाउडर इन द मेकिंग ऑफ केक और अ ब्रेड। राइट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। ओके, यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिया गया है और तीन क्वेश्चन में हम लोग को बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बारे में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर जो होता है उसका क्या दो कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो बेकिंग पाउडर को बनाने में जो यूज होता है वो होता है बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड। तो हम लोग को वही कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम यहाँ पे लिखना है। दूसरा क्वेश्चन में हाउ डज बेकिंग पाउडर डिफर फ्रॉम बेकिंग सोडा बोला है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है। और तीसरे क्वेश्चन में बताना है कि बेकिंग पाउडर का केक बनाने में कैसे रिएक्शन होता है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग लिख सकते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड आर टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, पहला का आंसर हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन बी की। क्वेश्चन बी में पूछा गया है कि हाउ डज बेकिंग पाउडर डिफर फ्रॉम बेकिंग सोडा। अब देखो, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। बेकिंग सोडा के बारे में अगर पहले बात करें, बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर बेकिंग सोडा की बात करें तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। वाइल बेकिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा की अगर बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, और बेकिंग पाउडर की बात करें तो बेकिंग पाउडर जो होता है NaHCO3 में जब टार्ट्रिक एसिड को मिक्स करते हैं तो उस दोनों के मिक्सचर को बेकिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, तो ये मेनली डिफरेंस है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे क्वेश्चन की। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ बेकिंग पाउडर इन द मेकिंग ऑफ केक। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन बेकिंग सोडा इज ट्रीटेड विथ टार्ट्रिक एसिड इट फॉर्म्स CO2 गैस विच कैन यूज फॉर सॉफ्टेनिंग ऑफ केक और ब्रेड। केक और या ब्रेड स्पंजी जो या सॉफ्ट होता है तो वो इसी की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पे निकलता है और उसी की वजह से वो ऐसा दिखता है। जैसे क्या होता है कि हमारा NaHCO3 जब ये H+ टार्ट्रिक एसिड में H+ आयन होता है, कोई भी एसिड हो उसमें H+ आयन होता है, ये जैसे ही रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है Na+ आयन बनाता है। मतलब कि यहाँ पे सोडियम का कोई सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे CO2 और H2O निकलता है। तो ये जो CO2 जब निकलता है तो ये बबल्स के फॉर्म में निकलता है और यही गैस जो होता है ब्रेड को या केक को वो सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।